बाहर लाती है। आप देख सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे लोग कैसे गाने गा रहे हैं, कैसे भजन गा रहे हैं, और हम अभी सिखाएंगे आपको कि लोग कैसे उत्साह के साथ पालकी को ले जा रहे हैं और पालकी के साथ उसका सम्मान कर रहे हैं और बाजीराव बाबा के श्रद्धा में मग्न है, जग्न है और सारे के सारे झूम रहे हैं, गा रहे हैं। भजन मंडळ आणि पालखीच्या मागे सगळ्यांनी मैदानी श्रीराम जयराम श्रीराम जयराम हा जयघोष करत आपण पालखीच्या मागे जाण्याची कृपा करा। महिला मंडळाने सगळ्यांनी करा दादाराव खडसे। कहा चला इंसान डाल कर सब खतरे में जान, भलाई छोड़ दिया, भलाई छोड़ दिया, नहीं देश का भान, जिंदगी बड़ा लिया तूफान, भलाई छोड़ दिया, भलाई छोड़ दिया, जवानी का रंग आया, कच्चे बच्चे खूब बढ़ाया, कौन संभालेगा माया, शान शौकत में जमाया, नहीं आमदनी लाया, रात सोने बिताया, सुनान इसका ध्यान, बनाया सारा घर हैरान, भलाई छोड़ दिया, कभी भक्ति रंग नहीं है उद्धव कोई, सीखने की बुद्धि नहीं, प्रेम भी जवान नहीं, कहता टुकड़िया दास, तुम्हारे कैसे रखे प्रकाश, लाई छोड़ दिया, लाई छोड़ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन बाजीराव महाराज यांच्या कृपा प्रसादाने दिनांक 11/12/2021 रोज शनिवार ते 17/12/2021 रोज शुक्रवार पर्यंत भव्य ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह सोहळा अतिशय उल्हासात साजरा होत आहे। खरोखरच आज आमचा गाव जणू पंढरपुरच भासत आहे। संत येता घरी तोची दिवाळी दसरा, आज प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद उत्साह दिसत आहे। तसेच बाजीराव महाराजांच्या आशीर्वादाने लोकांना ज्ञान मिळत आहे। समाजातील अंधश्रद्धा, वाईट चालीरीती, वाईट प्रथा नष्ट होत आहे। माय मावी मराठी हिंदी चॅनल द्वारे बाजीराव महाराजांचे कार्यक्रम संपूर्ण बेल्ला मंडल मध्ये प्रसारित करीत आहे, तेव्हा या चॅनलचे खूप खूप आभारी आहे।
गावामध्ये अन्नदानाचा कार्यक्रम मोठा उत्सव मोठा चालू आहे. गावगावचे भजन येऊन असा माहोल होत आहे. घरगावचे पारायणचे लोक सर्व आमचे कार्य कीर्तनाचे लोक सर्वजण आमच्या गावामध्ये उत्सव मोठ्या याने वाढवून आणतात. आमच्या गावाचा आज पंढरपूर बनला आहे. शेवट आहे त्याकरता सारे बजरंगबाळाचे भक्तगण त्यांचं येत आहे त्याच्या स्वागतासाठी. आमचे गावाले सर्व उपस्थित राहून त्यांचं चांगल्या प्रमाणे स्वागत करीत आहोत. मामा आपण स्मृती पुराण म्हणतात तर संकल्प मनात ओम गुरुदेव ताप नम साधीचा सत्ता संकल्प करेश बंदक्षता समर्पय आम्ही हरि ओम शांती शांती नारायण इस रंग के रंगों में मेरे पूर्वज को जिसके रंग ही निर्वस्त है, इन शब्दों में तू परिचय, इस कोयले के हीरे को जिसका हर शब्द वचन सिद्ध है, दिल में बताया है हमने आपको बाजीराव बाबा, दिल में बताया है आपको बाजीराव बाबा, भगवान की तरह सर पर साया रहे आपका, आसमान की तरह जन्म जयंती पर करते हैं
से मिलके एक सत्संग में उनके साथ थोड़ी देर बैठने से बहुत अच्छा लगा। क्यों बोल तो जिस गांव में साप्ताह होता है वहां वो गांव पूरा आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है और गांव के सभी लोग छोटे बड़े कोई भेदभाव नहीं, सब मिलजुल के भगवान की कीर्तना करने से भगवान की कृपा सबको मिलता है, मन शांति भी मिलती है, सबको भगवान की कृपा भी मिलने से समाज में एक शांति बन जाती है। इस तरह काला के बाद लोगों में सुख शांति मिलना बोल के भगवान से प्रार्थना करते हुए बेला मंडल के हर गांव में जिस तरह काला हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, हर गांव में एक आध्यात्मिक वातावरण बन रहा है और लोगों में भी शांति बन रही है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि धर्म और देश के लिए आज हम सबको सोचना चाहिए, इस देश में हम सब मिलजुल के इकट्ठा रह के इस धर्म और देश को रक्षा के लिए सब जने आगे बढ़ना बोल के, और हिंदू धर्म ऐसा धर्म है सर्वे जना सुखिनो भवंतु, सबके लिए चाहती है सबको सुख शांति रहना, ओम शांति बोल के सबको शांति रहना बोल के चाहने वाला इस धर्म को रक्षा करने के लिए हम सब आगे बढ़ना बोल के, और जो वेद ग्रंथ है रामायण महाभारत जीवन में कैसे समस्या हल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए, और भगवद गीता जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को बताया है समस्या जो भी है त्रेता युग में या कलयुग में कोई भी युग में किसी भी मानव को समस्या तो आते हैं, ये हल करने के लिए हमको आगे बढ़ने के लिए ये ग्रंथ बहुत काम आते हैं। 60 साल के बाद ये ग्रंथ नहीं, अभी 10-15 साल से बच्चों को रामायण महाभारत सिखाना जरूरी है, धर्म के बारे में सिखाना भी जरूरी है बोल के मैं कहते हुए इस गांव में हमको बुला के सम्मान करके ये काला में हमको शामिल किया उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, और सब जने मिल के भगवान का कीर्तना करने से भी बहुत शांति और अच्छा लग रहा है। ये इसी तरह हम सब अपने धर्म की रक्षा करना बोल के मैं सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। त्या सप्त्या उपस्थित आज खरोखरच बेला मंडल मध्ये हर गावात धार्मिक कार्यक्रम घेऊन बेला मंडलची प्रजा गावाले ह्या कार्यक्रमाला आम्हाला आमंत्रित केल्याबद्दल गावाल्याचं सर्वांचं स्वागत करतो। तसेच हर गावात जोगुरामानाच्या सौजन्याने जोगुरामानाच्या आशीर्वादाने आज इथं एक 25 लाखाचं षटभी देण्यात आलं, त्याचं स्लॅब भी कम्प्लीट झालं, तर ह्या प्रकारे मागं भी एक 5 लाखचं दिलं, तुकडोजी महाराजचं भी दिलं। आज खुबदूर गावात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनंत महाराजचं 7 लाख, तर ह्या प्रकारे हरेक गावात कम्युनिटी हॉल आपले MLA जोगुरामासाहेबच्या सौजन्याने जोगुरामासाहेबच्या आशीर्वादाने हरेक गावात जे देत आहे, आणि लोक भी जे एकदम भक्तिभावनेने जे कार्यक्रम घेत आहे, हा भक्तिभावना कार्यक्रम खरोखरच ह्या भक्तिभावनेमुळे लोकांना चांगले संस्कार चांगली वळण लागते। तर ह्या मंडळवासियांना खुबदूर गाववाल्यांना पुन्हा एक वेळ आमच्यातर्फे रामाना साहेबतर्फे धन्यवाद। पोटाच्या पुत्रासाठी गेलो माय सुकणे गावाच्या Thank you.
चलो परवाला गुरु रे पापा ता गाने कर तो सुन ब्रह्मनिष्ठ श्री संत सदगुरु बाजीराव महाराज इनके कृपा आशीर्वाद से जो ये प्रोग्राम है ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह ये पौनाला गांव में 17 से 18 साल पुराने से चलते आ रहा ये ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह के उद्देश्य क्या है गांव गांव में जाना लोगों में जो अंधश्रद्धा है व्यसनीय जो शराब मांस मटन जुआ
जो खराब जो लब्ज है वो लोगों से निकाल के उनको ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। बाजीराव महाराज थे तब भी एक प्रोग्राम चलता था, अभी बाजीराव महाराज ये नश्वर शरीर पे से अपने पे नहीं है, लेकिन आत्म तत्व से आत्म के रूप में सबके अंदर बाजीराव महाराज विराजमान है करके अपन गांव गांव जाके ये प्रोग्राम ले रहे। आज बाजीराव महाराज 95-96 साल जिंदा थे तो भी एक रुपया को भी कभी भी स्पर्श नहीं किए उन्होंने। निस्वार्थ भाव से बाजीराव महाराज ने ये प्रोग्राम चलाया और आज 40 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। 1982 से एक सप्ताह के माध्यम से बाजीराव महाराज आलंदी जाके वहाँ से आजादी का छात्र बन के एक प्रोग्राम इधर आया। हरिपाठ और ज्ञानेश्वरी पारायण ये पहले अपने सर्कल इधर में 3 जिलों में नहीं था, चंद्रपुर, यवतमाल और आदिलाबाद, तीनों जिले के लोग अज्ञान नहीं ज्ञानी थे, लेकिन जो अपन खराब व्यसन में थे उसको दूर करने के लिए बाजीराव महाराज ने ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह के माध्यम से गांव गांव को जाके वंदनीय राष्ट्रपति तुकड़ोजी महाराज, जगतगुरु तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, सब संतों का कार्य एकत्र बना के बाजीराव महाराज ने ये सप्ताह बनाया। सप्ताह का मठ बनाए, मूर्ति बिठाए और 2-2.5 लाख रुपए हर साल खर्चा कर रहे। क्यों खर्चा करे? बिना धन का बादशाह, बिना पुत्र का विश्व कुटुंब। बाजीराव महाराज कैसा था? बिना धन का बादशाह, एक रुपया को भी स्पर्श नहीं किया बाजीराव महाराज ने, तो भी आज उनके नाम से अपन लाखों रुपए खर्च कर रहे बिना पुत्र का। माय माउली के साथ।